अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं वो टू फेवरेट स्किन वाइटनिंग क्रीम। अच्छा, मैं पहले से बता दूं, स्किन वाइटनिंग का मतलब ये नहीं कि आपके स्किन में ड्रास्टिकली चेंज आ जाएगा। स्किन वाइटनिंग मतलब, जब भी मैं ये टर्म यूज करूँ तो इसका मतलब ये स्किन ब्राइटनिंग, स्किन लाइटनिंग, स्मूथर स्किन, हेल्दी ग्लोइंग एंड ब्राइटर लुकिंग स्किन। सो आज की वीडियो में हम जिन दो क्रीम्स के बारे में बात करेंगे उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उनके टेक्सचर के बारे में और उनको किस तरह से यूज करना है ताकि जो है ना आप मैक्सिमम बेनिफिट उससे अचीव कर सको। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक लास्ट में वॉच करना ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर दो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, जैसे जो है ना लोग शॉर्टकट यूज करती हैं अपनी स्किन को जो है ना वाइटन करने के लिए, फॉर्मूला क्रीम्स की तरफ जाती हैं। शॉर्ट टर्म में कहूँ तो अगर आप लोग फॉर्मूला क्रीम्स यूज कर रहे हो तो इन अदर टर्म्स आप लोग अपनी स्किन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। फॉर्मूला क्रीम यूज करने से बेटर है कि आप लोग अपनी स्किन पे कुछ भी यूज ना करो, वरना तो आपको फ्यूचर में जो है ना स्किन कैंसर भी हो सकता है एंड देन आपको जो है ना बार बार डर्मेटोलॉजिस्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे अपनी स्किन को जो है ना बेटर लुकिंग कंडीशन में लाने के लिए। उससे अच्छा ये है कि आप लोग जो है ना मेडिकेटेड क्रीम्स यूज कर लो एंड देन जिसमें सेफ इंग्रेडिएंट्स हो। एंड देन अगर आप लोग 21वीं सदी में रह रहे हो यार, बस कर दो फॉर्मूला क्रीम्स यूज करना, थोड़ा एजुकेट कर लो अपने आप को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरी वन ऑफ माय फेवरेट स्किन वाइटनिंग क्रीम है जो मैंने अभी रिसेंटली यूज किया, इस बाय द ब्रांड डिचा इज देयर अलोरे स्किन ब्राइटनिंग क्रीम। बेसिकली जो है ना मैंने तकरीबन जो है आई थिंक सो वन मंथ हो चुका है जब मैंने ये जो है ना प्रोडक्ट सारी ऑर्डर की थी। मैंने इसकी अकॉर्डिंग अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाई थी तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके बाय कर सकती हो। काफी जो है ना मुझे डीएम्स आ रहे थे एंड देन जो है ना काफी लोग जो है ना बार बार कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे इस क्रीम के रिजल्ट्स के बारे में। तो बेसिकली जो है ना मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मैं कैसा पेड यूट्यूबर नहीं हूँ कि जो फेक रिजल्ट्स आपको बताए या प्रोडक्ट की पेड प्रमोशन करें। मैं हमेशा प्रोडक्ट को जो है ना पहले टाइम टेकिंग प्रोसेस देता हूँ एंड देन उसके रिजल्ट्स को जो है ना जज करता हूँ कि यार वाकई उसे रिजल्ट्स आ रहे हैं करें। दैट्स वाई जो है ना इसलिए मैं आप लोगों के कमेंट्स का या मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा था और जो है ना मैं वेट कर रहा था कि मैं प्रॉपर इस पर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी हर एक क्वेरी जो है ना सोल्व हो जाएगी। तो बेसिकली जो है ना नाइट क्रीम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपकी नाइट टाइम स्किन के रूटीन का, बिकॉज नाइट में आप जो भी प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाते हो वो जो है ना डीप आपकी स्किन में पेनिट्रेट होती है, आपकी स्किन रिलैक्सेशन मोड पे होती है, आपकी जो है ना डेड स्किन सेल्स रिमूव हो रही होती है, सेल रिजुविनेशन हो रही होती है, न्यू सेल रिपेयर हो रही होती है। तो इसलिए आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करनी है नाइट टाइम अपने फेस पे। अच्छा, अब इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें जो है ना वन ऑफ माय सारे मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट है। अगर इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें तो परफेक्ट इंग्रेडिएंट लिस्ट है इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंटेन कोजिक एसिड। कोजिक एसिड भला क्या करते हैं, आपके जो है ना स्किन के ऊपर एक्नी मार्क्स को जो है रिमूव करते हैं, अगर आपको ब्लेमिशेस का इश्यू है उसको ट्रीट करते हैं। देन इट कंटेन नायासिनामाइड। नायासिनामाइड क्या करता है, आपकी स्किन के ऊपर से ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है और आपकी स्किन को जो है ना ग्लोइंग फील देता है। नेक्स्ट इट कंटेन अल्फा आर्बुटिन। अल्फा आर्बुटिन आपकी स्किन के ऊपर से ट्रीट करता है हाइपर पिगमेंटेशन को, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन को। देन इट कंटेन ग्लोटाथियॉन। ग्लोटाथियॉन जैसे यू नो इज वन ऑफ द स्किन केयर इंडस्ट्री में यूज होने वाला स्किन ब्राइटनिंग या व्हाइटनिंग एजेंट है। ये आपकी स्किन में मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करते हैं एंड दैट्स वाई जब आपकी स्किन में मेलानिन की प्रोडक्शन कम होती है तो आपकी जो स्किन है वो डे बाय डे जो है ना ब्राइटन अप होती है और बेटर लुकिंग कंडीशन में आती है। देट इट कंटेन हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली एक ह्यूमेक्टेंट है जो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर कैप्चर करके आपकी स्किन को प्रोवाइड करते हैं और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं। अच्छा, ये सारी बातें तो हम पहले भी कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में बात करें तो जो बहुत लाइट वेट से जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल क्रीमी सी किसी कंसिस्टेंसी है, इजीली जो है ना आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने जब भी क्रीम को यूज करना है ना डॉटेड फॉर्म में अपने फेस पे लगाना है और बिल्कुल लाइट वेट जो है ना उसको जो है ना इजीली स्किन में अब्जॉर्ब करा देना, ज्यादा भी अब्जॉर्ब नहीं करवाना, बिल्कुल लाइट वेट सा स्किन में अब्जॉर्ब करवाना है और ये हमेशा आपकी स्किन नाइट टाइम स्किन के रूटीन का लास्ट स्टेप होना चाहिए। उसके बाद जो है ना आपने स्किन में लगा रहने देना और ये खुद जो है ना डीपली आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगी। इस वजह से जो है ना जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपने इस तरह यूज करना है आपको ज्यादा रिजल्ट आएंगे। आपने स्किन में फुल अब्जॉर्ब नहीं करवाना, हल्का सा अब्जॉर्ब करवाना है देन बकाया लगा रहने देना, बिकॉज ये खुद ब खुद आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है, फील भी नहीं होता। लोग बात करें कि किन किन स्किन टाइप्स के लिए, तो आई डोंट थिंक ये कि भी किसी भी स्किन टाइप को इससे इशू होना चाहिए। ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो या सेंसिटिव स्किन हो, हर किसी के लिए सेफ है, ऐसा जिसका कोई वो जो है ना कोई रिएक्शन अभी तक मैंने फील नहीं किया। और इसके अगर रिजल्ट्स की बात करें तो बेसिकली स्किन वाइटनिंग का मतलब ये भी होता है अगर आपकी स्किन के ऊपर दाग धब्बे वगैरह, पिगमेंटेशन वगैरह, ब्लेमिशेस वगैरह, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ट्रीट करना, देन जो है ना आपको ब्राइटन अप टोन देना। सो बेसिकली जो है ना ये मुझे जो है ना थोड़े टाइम पहले जो है ना एक चोट लग गई थी यहाँ पे, तो जो है ना मेरे यहाँ पे जो है ना काफी पार्ट पे जो पिगमेंटेड पार्ट हो गया था उस टाइम पीरियड में मैं इसको यूज कर रहा था, देन जो है ना विद इन 2 वीक्स इसने जो है ना वो मेरा जो है ना पिगमेंटेड पार्ट जो है ना बिल्कुल क्लियर आउट कर दिया था। और जो है ना इसके जो रिजल्ट है वो काफी अच्छे हैं, बिकॉज इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी, तो आपकी स्किन जो है ना मॉइस्चराइज रहती है और हाइड्रेट रहती है।
एक ये वन ऑफ बेस्ट स्किन वाइटनिंग इंग्रेडिएंट अगर आप यूज करना चाहते हो अपनी स्किन अपने नाइट टाइम स्किन के रूटीन में, आप मेरे कहने पे इसको एक दफा ट्राई दो, इंशाल्लाह आपको जो है ना रिजल्ट लाजमी अचीव होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी मोस्ट फेवरेट नाइट क्रीम है ना इस बाय द ब्रांड यू फेस, इट्स देयर व्हाइट कोड ग्लोटाथियोन व्हाइटनिंग क्रीम। अच्छा जैसे मैं पहले बता चुका हूँ इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत रेवोल्यूशनरी हैं, इसमें जो है ना क्वालिटी इंग्रीडियंट्स है, पैकेजिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग जो है ना बहुत अच्छी है। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, इट्स देयर क्लोरस एंड क्लोरस प्रो डे एंड नाइट क्रीम, जो पिगमेंटेशन के लिए अभी तक जो सबसे बेस्ट क्रीम जो है उन्होंने यूज की है। एंड देन पर्सन से मैंने उसकी क्रीम को ट्राई किया और एंड देन उसके जो है ना रिजल्ट्स को समय मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके वॉच आउट कर सकते हो। अच्छा अब बेसिकली जो है ना अगर मैं अंदर से आपको क्रीम को दिखाऊं तो ये जो है ना ट्रांसपेरेंट बॉटल में आपको रिसीव होगी और ये पंप फॉर्म में आती है। अच्छा अगर हम लोग इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंटेन ग्लोटाथियोन। ग्लोटाथियोन जैसे मैंने क्या कहा आप क्या करता है आपकी स्किन मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करते हैं और डे बाय डे जो है ना आपको ब्राइटन अप एंड देन व्हाइटनिंग जो है ना लुकिंग स्किन प्रोवाइड करते हैं। इसमें भी आगे अल्फा आर्बुटिन और कोजिक एसिड है। अल्फा आर्बुटिन मैंने क्या किया किसको ट्रीट करता है हाइपर पिगमेंटेशन पिगमेंटेशन पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन को, और कोजिक एसिड ब्लेमिशेस एक्नी मार्क्स वगैरह को ट्रीट करते हैं। अच्छा अगर इसके टेक्सचर की बात करें ना तो इसका टेक्सचर बहुत ही लाइट वेट है, मतलब थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, बिल्कुल जो है ना इसकी लाइट वेट कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल वाटर फ्री है एंड देन इजीली जो है ना आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगी। और जो है ना इसकी फ्रेगनेंस जो है यार वो बहुत ज्यादा मजे की है, बिल्कुल मतलब कि ये नहीं है कि डिस्टर्बिंग फ्रेगनेंस है, इस पर मजेदार सूदिंग सी फ्रेगनेंस है और सेम बात है इजीली आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है। कोई भी आई थिंक किसी भी स्किन टाइप को जो है ना इससे इशू नहीं होना चाहिए। वही बात आप लोगों ने किस तरह इसे यूज करना, डॉटेड फॉर्म में इसको लगाना एंड देन लाइट वेव से जो है ना बस स्किन में जो है ना इसको अब्सॉर्ब करवाना है, या डैब डैब करके या हल्का सा जो है ना अपने अपने हैंड से मसाज करके इसको अब्सॉर्ब करवा देना। ये नहीं कि स्किन में थप्पड़ मारी जाओ या जो है ना इसको रगड़ रगड़ कर स्किन में मसाज करो, उससे ऐसा कोई फायदा नहीं होता। ये जो पैटर्न रहता ना आपने उस तरीके से यूज करना है, आपको रिजल्ट ज्यादा आएंगे। अब वही बात अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है ना ये इफेक्टिव हाइपर पिगमेंटेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके हाइपरपिगमेंटेशन को ट्रीट करती है एंड देन विद इन 3 वीक्स बाद जो है ना आपको डिफरेंस आना स्टार्ट होता है अपनी स्किन में, बिकॉज हमेशा जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं वो टाइम टेकिंग होती है। ये नहीं कि विद इन 1 डे या 2 डे में आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाती है। सो अगर आप जो है ना एक अच्छे ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हो, एक क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहते हो, तो आप इस नाइट क्रीम को बाय कर सकते हो। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। ये दो मेरी बेस्ट व्हाइटनिंग क्रीम थी। नाइट टाइम में जो है ना मैं व्हाइटनिंग क्रीम्स को इतना प्रेफर नहीं करता, बट जो है ना कभी कभार जो मेरी जो अच्छी लगती है तो मैं उनको यूज कर लेता हूँ। सो ये अभी तक जो है ना मेरी टॉप 2 फेवरेट जो है ना व्हाइटनिंग क्रीम है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। आप लोग मेरे कहने पर इसको गिव इट अ ट्राई कर सकते हो, तो आपको जो है ना कन्फर्म जो है ना श्योरिटी के साथ रिजल्ट आएंगे। इसके अलावा आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में जो है ना उसके अकॉर्डिंग जो है आप मुझे पूछ सकते हो एंड देन या मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटीफुल।